मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 मार्च 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करवा ले, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए ₹1,000 की लेट फीस भी वसूल रहा है। हालांकि यह नियम सभी लोगों के लिए नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको 31-3-2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जैसे कि कोई बड़ा लेन देन करते हैं या टैक्स वगैरह भरते हैं, ऐसे लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, पिछले बजट में गहलोत सरकार ने महिलाओं को फ्री मोबाइल देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला है। और बड़ी खबर तो यह है, मुफ्त स्मार्टफोन महिलाओं को कब मिलेगा, इसका भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश शनिवार को झुंझुनू आई। यहाँ पर उनको जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल की चिप विदेश से मंगवानी पड़ती है, कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, चीन में भी समस्या है, चिप नहीं मिलने के कारण देरी हो रही है। दरअसल मुफ्त स्मार्टफोन वाली घोषणा अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बनती जा रही है। जहां कहीं पर भी कांग्रेस विधायक और मंत्री जाते हैं तो इस सवाल से बचते हैं कि महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन कब मिलेगा। ऐसे में सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, इसका जवाब फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है। देश की एक और बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है कि उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं यह विवाद क्या था। 14 जनवरी को चाय की दुकान पर स्थानीय युवक उत्तर भारतीय पर सिगरेट का धुआं छोड़ रहे थे। विवाद हुआ तो उत्तर भारतीय जुटे और स्थानीय लोगों को दौड़ा दिया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया और तमिल संगठनों ने बताया कि उत्तर भारतीय तमिलों को मार रहे हैं। इसके बाद वहां पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, इसको राजनीतिक रूप भी दिया गया और इसका नतीजा यह रहा कि 70% तक उत्तर भारतीय मजदूर तमिलनाडु को छोड़ के घर आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार के लोगों की है। हालांकि इनमें बड़ी संख्या होली और शादियों के चलते घर जाने वालों की भी है। हालांकि अब मामला शांत बताया जा रहा है। बिहार और तमिलनाडु सरकार भी सक्रिय हो चुकी है। अब तमिलनाडु में दूसरे राज्यों के लोगों के लिए विश्वास पैदा किया जा रहा है कि आपको यहाँ कुछ भी नहीं होगा, और खासकर हिंदी भाषी लोगों के लिए वहाँ पर हेल्पलाइन भी जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि व तेज बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। बारां जिले से बड़ी खबर आ रही है, किसान नष्ट फसलों को लेकर जिला मुख्यालय जिला कलेक्टर के सामने पहुंच गए और ज्ञापन सौंप कर मुआवजे की मांग की है। दरअसल आपको बता दूं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई जिलों में फसलें बर्बाद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मौसम को लेकर भी एक और नया अलर्ट आ चुका है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ भागों में थंडर स्ट्रॉम के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी भी चल सकती है। दरअसल 6 और 7 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य में पुनः आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग में 7 और 8 मार्च को थंडर स्ट्रॉम के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में आज और कल एक बार फिर मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं पर तेज हवाएं और आंधी भी देखी जा सकती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में रविवार को जाट समाज का महाकुंभ आयोजित हुआ। महाकुंभ में कांग्रेस भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि वह समाज को सर्वोपरि मानते हैं और पार्टी को दूसरे नंबर पर। इस महाकुंभ में 1 लाख से ज्यादा जाट समाज के लोगों ने भाग लिया। इस महाकुंभ में जाट समाज ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने
कहा है कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री जाट समाज से होना चाहिए। बड़ी बात यह भी है, समाज के इतने बड़े कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल का ना आना चर्चा का विषय बना रहा। अगली बड़ी खबर, होली को देखते हुए श्री खाटू श्याम मंदिर को 7 मार्च को बंद कर दिया गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने पत्र जारी करते हुए साफ कहा है कि 7 मार्च को मंदिर बंद रहेगा। इसके अलावा 8 मार्च को तिलक होने के कारण इस दिन भी मंदिर को बंद रखा जाएगा। ऐसे में भक्त श्याम मंदिर के दर्शन 9 फरवरी को ही कर पाएंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में रिमोट के जरिए योजना लॉन्च की है। बड़ी बात यह है, मध्य प्रदेश की महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 23 से लेकर 60 वर्ष की आयु को उन महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। एक और बड़ी खबर देखिए, इस बार लोगों के मन में संशय है कि होली दहन 6 मार्च को है या 7 मार्च को, और लोगों के मन में यह भी संशय है कि होली 2023 को कब मनाना उचित है। वैसे आपको बता दूं, 7 मार्च को भद्रा का साया समाप्त होने के बाद इस दिन होली का दहन किया जाएगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च 2023 को शाम 6:24 से रात 8:51 तक रहेगा। वैसे कुछ लोग आज भी होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन 7 मार्च को भद्रा का साया समाप्त होने से अधिकतर जगहों पर होली का दहन 7 मार्च को होगा। तो यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।